हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल एग्रीगेशन एंड डिफरेंशिएशन इन डिक्टोस्टाइलियम के बारे में। ओके सो जो कि CSIR नेट लाइफ साइंस के सिलेबस में आते हैं, और हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमने दो मॉड्यूल ऑलरेडी कवर कर लिए। हमने ये तीसरा मॉड्यूल है वो चालू कर लिया है हमने। ओके सो आज से हम तीसरा मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं डिक्टायोस्टीलियम होता क्या है। ओके सो डिक्टायोस्टीलियम होता क्या है, ये फाइलम अमीबा जोवा से है। ओके सो फाइलम अमीबा जोवा, सो नाम से ही पता लगता है कि अमीबा की फैमिली से है काइंड ऑफ। ओके सो अमीबा एक यूनिसेलुलर होता है। सो ये भी है, शुरुआती में यूनिसेलुलर होता है, एंड जब स्टर्वेशन यानी कि फूड की कमी या फिर अनकम्फर्टेबल स्टेज या फिर बोलते एडवर्स कंडीशन में है वो सेल, बहुत सारी अमीबाज इस टाइप की जो ये सेल है, इसी स्पीसीज की सेल, वो एग्रीगेट होती है एंड फ्यूज होके है वो आगे है, वो पूरा है वो स्टॉल्क एंड स्पोर काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है, वो बनाती है एंड उसमें स्टॉल्क एंड स्पोर होता है। एंड वो के कौन सी सिग्नलिंग होती है उसमें साइक्लिक एएमपी का भी रोल होता है, वो सारा हम कुछ इस वाली वीडियो में सारा कुछ है वो डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। ओके सो इस डिक्टायोस्टीलियम का कॉमन नेम होता है स्लाइम मोल्ड। ओके सो स्लाइम मोल्ड नाम इसका कॉमन नेम है। ओके एंड इसमें सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, असेक्सुअल बाय बाइनरी फ्यूजन। ओके सो असेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन से होता है। ओके एंड हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इन स्टर्वेशन कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में। ओके एंड यूकैरियोटिक है इसकी जो नेचर है वो ये यूकैरियोटिक होते हैं। ओके यूकैरियोट्स होते हैं। ओके और जो सिंगल हैप्लोइड अमीबा जो होती है, ओके सोलिटरी हैप्लोइड अमीबा, ओके सो वो हैप्लोइड होती है तो उसको हम बोलते हैं मिक्सोमेबा। ओके मिक्सोमेबा ओके किसको बोलते हैं, सोलिटरी हैप्लोइड अमीबा या फिर सिंगल सेल जो होती है, सिंगल सेल स्टेज होती है उसको ओके मिक्सोमेबा भी बोलते हैं, हैप्लोइड होती है। ओके सो वो बहुत सारी फ्यूजन होके एग्रीगेट होके वो कुछ वो आगे है वो स्ट्रक्चर बनाती है डिक्टायोस्टीलियम की प्रॉपर हम देखेंगे। और ये बैक्टीरिया को ईट करती है। ओके अमीबा जैसे ईट करती है तो ये बैक्टीरियाज को है वो ईटिंग करती है, खाती है। ओके और मोस्टली ये यूनिसेलुलर होती है लेकिन एडवर्स कंडीशन में जैसा ही मैंने कहा ये एग्रीगेट होके मल्टीसेलुलर है वो स्ट्रक्चर है वो बना लेती है। ओके अब यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस अगर देखें तो यहाँ पे यूनिसेलुलर अमीबाज आप देख सकते हो। ओके सो यहाँ पे है वो ये बैक्टीरियाज आप देख रहे हो, इनको है वो फेगोसाइटोसिस है, वो यहाँ पे है वो कर रहे हैं फेगोसाइटोसिस करके ईट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब स्टर्वेशन की कंडीशन आती है, एडवर्स कंडीशन आती है, सो ये क्या करते हैं कुछ एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज करते हैं। ओके एग्रीगेट्स मॉलिक्यूल्स रिलीज कर एडहेसन मॉलिक्यूल्स, ओके जो कि अधेर करे एक दूसरे अमीबा को एक दूसरे से चिपकाए रखे, एडहेसन मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं। साथ ही साथ जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है साइक्लिक एएमपी उसको भी है वो रिलीज करता है, जो कि इंटरनल है वो सेल सिग्नलिंग चालू करके वो उसमें है वो चालू होती है सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नलिंग करके एक दूसरे की तरफ माइग्रेट होते हैं। ओके एग्रीगेट होते हैं। सो फर्स्ट स्टेज इज एग्रीगेशन, सो एग्रीगेशन स्टार्ट होना शुरू होता है उसमें एडहेसन मॉलिक्यूल एंड साइक्लिक एएमपी है वो सीक्रेट होता है उसके उसके द्वारा। ओके देन है वो एग्रीगेट होने के बाद में है वो जो जैसे कि आप हम लास्ट में देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर लास्ट में है वो कुछ इस प्रकार से होगी, लेकिन शुरू में है वो कुछ इस प्रकार से है वो स्ट्रक्चर है वो बनती है। सो उसको है वो धीरे धीरे बाद में ये सेल्स है वो माइग्रेट होना शुरू करती है। ओके सो माइग्रेट होना शुरू करती है, देन स्लग टाइप में है वो कुछ इस प्रकार से है वो आप देख रहे हो स्लग टाइप में है वो सेल बनाती है। उससे पहले है वो फिंगर टाइप में है वो सेल बनाई थी, उसके बाद में स्लग टाइप में माइग्रेट होके धीरे धीरे है वो अपना है वो शेप है वो लेने लगती है एंड कुलमिनेशन स्टेज आती है। देन ओके पहली स्टेज एग्रीगेशन एग्रीगेट होती है, देन माइग्रेशन माइग्रेट होती है एंड धीरे धीरे है वो मल्टी सेलुलर में बनती जाती है एंड कुलमिनेशन स्टेज आती है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो बनती है कुलमिनेशन में। देन उसके बाद में डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है टू टाइप की है वो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंशिएट हो जाती है अलग अलग, हमें देखने को भी अलग अलग पता लग जाता है। एक तो स्टॉल्क हो जाता है स्टॉक हो गए जो एंड ऊपर वाला जो है वो जो मास ऑफ स्पोर होता है बहुत सारे स्पोर का है वो एक्यूमुलेशन होने से उसको बोलते हैं स्पोर। ओके
स्पोर एंड स्टॉल दोनों में है, वो अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है कुलमिनेशन के बाद में, डिफरेंशिएशन होता है आगे वाली स्टेज में। ओके सो यहाँ पे भी है वो, ये स्टॉल का है वो कब बनता है, ये है ना जब सेल्स है वो G2 अर्ली G2 स्टेज में जब अरेस्ट हो जाती है। ओके जब अर्ली G2 स्टेज में है वो अरेस्ट हो जाती है। ओके एंड कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा है वो होता है, तब है वो स्टॉल्क का है वो फॉर्मेशन होता है। लेकिन इधर जो मास ऑफ स्पोर है ऊपर वाला जो पार्ट है, ये स्पोर वाला पार्ट, ये कैसे बनता है, ये या तो मिड G2 या फिर लेट G2 में है वो, जब सेल स्टेज है यहाँ वाली है वो अरेस्ट होती है। एंड कैल्शियम है वो लो होता है, तब है वो ऊपर वाला ये जो स्ट्रक्चर है स्पोर वाला है वो फॉर्मेशन है ये तब होता है। ओके अब इसको ऊपर वाले पार्ट को है, अब ऊपर वाले पार्ट को हम फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं। ओके फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं। ओके अब यहाँ की जो ईच सेल्स है वो बनाती है, बनाने की पोटेंसी रखती है मिक्सोएमीबा। ओके मिक्सोएमीबा बनाने की पोटेंसी रखती है, और ये आगे है वो जर्मिनेट हो जाती है, एंड हर एक सेल है वो मिक्सोएमीबा है वो बनाती भी है आफ्टर जर्मिनेशन। ओके एंड ये जो स्टॉल्क है, स्टॉल्क वाली सेल्स है वो डेथ हो जाती है। ओके डेथ हो जाती है, एंड वाटर का भी यहाँ से है वो लॉस हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है। ओके एंड डेथ हो जाती है, एंड ये बस स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए होती है। ओके स्लाइम, बिकॉज स्लाइम पे वो रहती है मिट्टी में। ओके एंड एक और बात जो ये स्लग के बारे में हमने देखा था, सो ये है वो 2 to 4 mm लॉन्ग होता है। ओके सो 2 to 4 mm लॉन्ग होता है, एंड स्लाइम शीट के द्वारा है वो ये कवर रहता है स्लाइम शीट के द्वारा। ओके ये स्लग, एंड इसके बाद में ये एंटीरियर टिप की तरफ है वो, ये माइग्रेट होने के बाद में आगे है वो कुलमिनेशन एंड आगे की स्टेज है वो बनती है। ओके इन सेल्स में माइग्रेशन होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में अगर एग्रीगेशन वाली प्रोसेस को थोड़ा और देखें। ओके सो एग्रीगेशन बाद में डिफ्रेंशिएशन के बाद में थोड़ा देखेंगे। ओके सो एग्रीगेशन इन डिटायो स्टीलियम। ओके सो यहाँ पे होता क्या है, जो सेल्स है वो ज्वाइन होती है, एक दूसरे से ज्वाइन होती है, यहाँ पे ज्वाइन होके वो स्ट्रीम फॉर्मेशन करती है स्ट्रीम का। ओके स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन करती है, एंड जैसे एक स्ट्रीम का फॉर्मेशन हो गया, एंड एक स्ट्रीम है वो दूसरी स्ट्रीम के साथ में ज्वाइन होकर वो इवेंचुअली है वो अलग अलग स्ट्रीम्स है वो बनाती है, एंड वो सारी स्ट्रीम्स है एक सेंटर में आके है वो माइग्रेट मर्ज हो जाती है आके है। ओके सेंटर में आके है वो मर्ज हो जाती है। ओके सो सारी की सारी, सो इन ये सारी प्रोसेस माइग्रेट होके ये एग्रीगेट होके यहाँ पे है वो कीमोटेक्सिस की प्रोसेस होती है। ओके कीमोटेक्सिस केमिकल के द्वारा है वो कोई स्टिमुलेशन दिया जाता है, अट्रैक्ट वाली प्रोसेस है वो देख, अट्रैक्शन वाली प्रोसेस है वो देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। बाद में उस केमिकल का है वो बाद में हम वो रिसर्च हुआ कि कौन सा था, वो बाद में है वो डिस्कवर हुआ, तो बाद में पता चला कि वो केमिकल साइक्लिक एडिनोसिन 3,5-मोनोफॉस्फेट था। ओके सो जिसे हम CAMP बोलते हैं। ओके साइक्लिक एडिनोसिन 3,5-मोनोफॉस्फेट था। अब जो ये एग्रीगेशन वाली प्रोसेस शुरू होती है, हमने देखा स्टर्वेशन के बाद में ये एग्रीगेशन की प्रोसेस शुरू होती है, तो वहाँ पे होता क्या है, जैसे कि ये मिक्सोएमीबा या इसके अंदर ये है वो कुछ जीन्स है वो जैसे कि हमने बात की साइक्लिक AMP है वो सिंथेसाइज करते हैं। ओके सो साइक्लिक AMP है वो इस एक अमीबा में मान लो बन गई, और ये बाद में आगे जो सिक्रेट करती है, सो ये फंक्शन दूसरी अमीबा में किस प्रकार से करती है, सो फर्स्ट ये फंक्शन करती है भाई, एक तो ये साइक्लिक AMP दूसरे अमीबा में स्टिमुलेशन करती है मूवमेंट को। ओके टुवार्ड्स द साइक्लिक AMP पल्स। ओके सो साइक्लिक AMP का जो पल्स होता है ओके उसके टुवार्ड है वो मूवमेंट है वो करती है। ओके एंड दूसरा जो इसका फंक्शन, इस साइक्लिक AMP का फंक्शन क्या होता है, ये दूसरी वाली जो मिक्सोएमीबा जो इसको रिसीव कर रही है उस सेल के अंदर भी है वो साइक्लिक AMP है वो सिंथेसिस को देखने को मिलता है। ओके सो फर्स्ट ये मूवमेंट को भी जो कि एग्रीगेशन की प्रोसेस को बढ़ाएगी। ओके एंड दूसरी जो ये रिस्पॉन्ड कर रही है वो भी है वो सिंथेसाइज करने लग जाएगी साइक्लिक AMP, जो कि रिलीज करेगी अपने एनवायरनमेंट में, जहाँ पे दूसरी मिक्सोएमीबा तीसरी मिक्सोएमीबा है वो आकर है वो भी मूव करेगी, एंड खुद से साइक्लिक AMP है वो इस प्रकार से वो बहुत सारी सेल्स है वो एग्रीगेट होती है। ओके अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन की प्रोसेस जब हमने बात की थी, स्टॉल्क एंड स्पोर वाला फ्रूटिंग बॉडी वाला है वो वहाँ पे बना था थोड़ा, तो हमने बात की, लेकिन यहाँ पे कुछ जीन्स एंड प्रोटीन आते हैं जैसे कि DIF डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर एंड बीटा कैटेनिन। ओके सो कुछ जीन एंड प्रोटीन आते हैं, सो उसके बारे में थोड़ा हम और है वो डिटेल है वो स्टडी अगर करें तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मिक्सोएमीबा है उसके डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें, सो वो डिफरेंशिएट होती है, एक तो हमने देखा स्टॉल्क में। ओके
जो कि सोमाइट्स हम बोल सकते हैं, ओके, सोमाइटिक सोमाइटिक बॉडी होती है, ओके, लेकिन जैसे कि स्पोर जो होती है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, वैसे ही है वो स्टार्क है वो सोमाइटिक बॉडी होती है, ओके, एंड स्टॉर्क एंड स्पोर में है वो डिफ्रेंशिएट होती है, ओके, हमने देखा. सो स्पोर है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, ओके, बिकॉज वहाँ से है वो स्पोर है वो जर्मिनेट होकर वो आगे है वो नई मिक्सोमीबा है वो बनाती है. सो यहाँ पे हमने स्टॉर्क में होता क्या है, यहाँ पे जो ग्रेक्स होता है GREX ग्रेक्स जो बॉडी हमने देखा था स्लग के बाद में है वो आगे जो नीचे वाली जो बॉडी है वो माइग्रेट होती है. सो वहाँ पे है वो साइक्लिक AMP है वो सप्रेस करता है बीटा केट को, ओके, सप्रेस बीटा केट, बीटा केटेनिन जो मॉलिक्यूल्स होता है प्रोटीन, ओके, सो उसका बीटा केटेनिन का जो पाथवे होता है उसको है वो सप्रेस है वो करता है यहाँ पे ग्रेक्स वाले में जो पोस्टीरियर जो नीचे वाला जो एरिया स्टॉक फॉर्मेशन करता है वहाँ पे है वो बीटा केटेनिन जो पाथवे है उसका है वो सप्रेशन हमें देखने को मिलता है और एक्टिवेशन होता है प्लस में यहाँ पे है वो एक्टिवेशन देखने को मिलता है DIF जीन या फिर DIF जीन DIF1 प्रोटीन का इंड्यूसिंग फैक्टर होता है, ओके, डिफ्रेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर है उसका है वो एक्टिवेशन हमें देखने को मिलता है, ओके, एंड यहाँ पे जो स्पोर में एक रिसेप्टर होता है SDF2 रिसेप्टर होता है जो कि आगे स्पोर फॉर्मेशन में है वो पार्टिसिपेट लेता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पोर फॉर्मेशन का, ओके, SDF2. सो वो यहाँ पे है वो नहीं होता है, ओके, जो स्टॉल्क वाली है जो कंडीशन में जो सेल्स में है वो वहाँ पे है वो लैक SDF2 रिसेप्टर, ओके, इसके कारण है ये जो स्टॉल्क वाली जो स्टेज है वो स्पोर में कन्वर्ट नहीं होती है. अब स्पोर कैसे डिफ्रेंशिएट होता है वो अगर देखें तो वहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेक्स होता है, जो ग्रेक्स में जो हमने देखा था एंटीरियर पार्ट में जो प्री स्पोरिक सेल होती है यहाँ पे है वो प्री स्पोर सेल होती है जो कि आगे जाके स्पोर सेल का फॉर्मेशन है वो करती है. सो वहाँ पे ग्रेक्स में जो प्री स्पोर सेल होती है वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर जो साइक्लिक AMP है वो इंड्यूस कराती है स्पोर स्पेसिफिक mRNA है उसका एक्सप्रेशन है उन सेलों में है वो जीन होता है, ओके. सो जो प्री स्पोर सेल है होती है उनमें है वो स्पोर स्पेसिफिक जो जीन होते हैं mRNA होते हैं उनका एक्सप्रेशन करवाती है, ओके, उनका एक्सप्रेशन करवाती है. कौन करवाता है? सो बिकॉज ग्रेक्स में जो प्री स्पोरिक सेल्स होती है वहाँ पे है जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में जो साइक्लिक AMP आता है, ओके, सो वो इंड्यूस करवाता है स्पोर स्पेसिफिक mRNA को उन सेल्स में जो कि आगे है वो जाके स्पोर बनाती है. एंड साथ ही साथ बीटा केटेनिन भी है वो हेल्प करती है, बीटा केट ऑल्सो हेल्प इन स्पोर स्पेसिफिक mRNA एक्सप्रेशन, ओके, सो बीटा केटेनिन भी यहाँ पे हेल्प करती है. एंड यहाँ पे है वो SDF2, हमने देखा कि SDF2 का रिसेप्टर है वो वहाँ पे स्पोर्स प्री स्पोरिक स्पोर्स सेल्स में है वो यहाँ पे होता है वो हेल्प करता है स्पोर डिफ्रेंशिएशन में SDF2 एंड एज वेल एज SDF1 एंड त्रिशंकु, ओके, त्रिशंकु नाम का एक और प्रोटीन है जो कि है वो स्पोर डिफ्रेंशिएशन में है वो हेल्प होता है, ओके, क्या होता है त्रिशंकु, ओके, त्रिशंकु SDF1 एंड SDF2 इनको आपको भूलना नहीं है, ओके, बीटा केटेनिन और ये सारे है वो स्पोर को फॉर्मेशन कराते हैं. एंड DIF है वो डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर है, ओके, वो यहाँ पे है वो ग्रेक्स में साइक्लिक AMP से है वो बीटा केट जहाँ पे सप्रेस होता है DIF और वहाँ पे है वो स्टॉर्क बनता है, जबकि जहाँ पे है वो स्पोर स्पेसिफिक mRNA बीटा केट और SDF2 और त्रिशंकु होता है वहाँ पे है वो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे है वो स्टॉर्क वाली कंडीशन है वो डिफरेंशिएट कराने में हेल्पफुल होते हैं, ओके. अब जब हमने बात की थी साइक्लिक AMP की, सो साइक्लिक AMP को फॉर्मेशन कौन करता है वो भी आपको पता होना चाहिए, एडिनाइल साइक्लेज है वो फॉर्मेशन करता है, ओके, सो एडिनाइल साइक्लेज इसको फॉर्मेशन करता है, इसकी भी है वो तीन है वो फैमिली है वो क्लासेस थ्री क्लासेस है वो देखने को मिलती है इसकी भी, ओके, थ्री क्लास ऑफ एडिनाइल साइक्लेज जो कि है ACA ACB एंड ACG, ओके, ACA यहाँ पे है वो जो हमारे जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं जो कि मेमल्स एंड ड्रोसोफिला में देखने को मिलते हैं, ओके, सो मेमल्स एंड ड्रोसोफिला में जो जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं ना जहाँ पे है वो बीटा एंड गामा सब यूनिट है वो रेगुलेट करती है साइक्लिक AMP को, वहाँ पे हमने वो हम पढ़ते भी हैं, ओके, एंड जबकि ACB का है वो यहाँ पे है वो रोल हमें वो देखने को मिलता है कि हार्बोरस हिस्टिडिन काइनेज का है वो रोल करता है, ओके, हिस्टिडिन काइनेज का, जबकि ACG जो लास्ट में है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ACG, इसके ऊपर है वो बहुत सारे क्वेश्चन है वो CSIR नेट में है वो पूछे जा सकते हैं, बिकॉज ACG ये क्या काम करता है, ये एक तो पहली बात तो ये ऑस्मो सेंसर होता है, ऑस्मो सेंसर है,
ऑस्मोलरिटी को सेंस करके वो ये काम करता है। एंड प्रोटीन काइनेज, यहाँ पे हमें प्रोटीन काइनेज मिलता है, प्रोटीन काइनेज ए मीडिएटेड होता है ये। ओके, अब ये हम बात कर रहे हैं कि ऑस्मोलरिटी को है वो सेंस करता है, तो क्या होगा जो हाई ऑस्मोलरिटी को है वो सेंस कर लेगा। हाई ऑस्मोलरिटी में क्या होगा, हाई ऑस्मोलरिटी में ये जर्मिनेशन नहीं करने देगा। ओके, सो स्पोर जर्मिनेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, स्पोर जर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगा इन हाई ऑस्मोलरिटी कंडीशन में। ओके, सो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों होता है, क्योंकि ऑस्मो सेंसर है वो यहाँ पे एसी जी एंजाइम के कारण, ओके, सो वो स्टॉप है वो करवा देता है स्पोर जर्मिनेशन को हाई ऑस्मोलरिटी में। और एसी बी की जैसे हमने बात की, यहाँ पे टू कंपोनेंट सिस्टम में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे सेंसरी डाउन जो प्रोटीन होता है वो हिस्टिडिन काइनेज, यहाँ पे फॉस्फोराइलेट होता है, यहाँ पे है वो एस्पार्टेट को है वो आगे जो रेगुलरिटी सब यूनिट है उसको फॉस्फोराइलेट करके यहाँ पे है वो एसी बी इस वाली प्रोसेस में यहाँ पे काम आती है। एंड जब साइक्लिक एएमपी का रोल है वो ख़त्म हो जाता है तो उसको डिग्रेड करने के लिए वो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टरेज है वो एंजाइम होता ही है। ओके, सो फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम द्वारा वो डिग्रेड कराया जाता है। एंड ये मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, और फ्री बाउंडेड भी फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम होता है, जो कि दोनों फॉर्म है वो इनकोड करता है अपना पीडीएसए जीन। ओके, अब जो इंट्रासेलुलर जो फॉस्फोडाइएस्टरेज है वो उसको हम है वो दो नाम है वो यहाँ पे है वो देखने को मिलते हैं, रेग ए एंड पीडीईजी। ओके, पीडीईई, ओके, PDEE एंड रेग ए यहाँ पे है वो ब्रेक डाउन करवाते हैं साइक्लिक एएमपी का इन इंट्रा सेलुलर। यहाँ पे एक म्यूटेशन केस और बन सकता है अगर रेग ए और PDEE यहाँ पे अगर म्यूटेंट हो गया। ओके, सो यहाँ पे अगर म्यूटेंट हो गया तो क्या हो गया, सो यहाँ पे है वो इंट्रा सेलुलरली हाई साइक्लिक एएमपी है वो देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे एक म्यूटेशन केस बन सकता है। अब यहाँ पे जो एडिनाइल साइक्लेज है उसके बारे में है वो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो उसको एक्टिवेशन करने के लिए जो जब वो एक्टिवेशन होता है वो यहाँ पे हमने देखा था जो जी प्रोटीन था बीटा गामा उसकी उसकी जगह या उसके अलावा भी है वो एक प्रोटीन्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं उसको एक्टिवेशन करने के लिए। वो कौन से रिक्वायर्ड प्रोटीन फॉर एक्टिवेशन वो होते हैं, एक तो CRAC प्रोटीन, ओके, जिसका फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो साइटोसोलिक रेगुलेटर ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। ओके, एंड दूसरा है पिया प्रोटीन। ओके, पिया इसका फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो पियानियोसियोमा। ओके, सो पियानी सीमो प्रोटीन। सो पियानी सीमो प्रोटीन, पिया प्रोटीन आप याद रखिए, पूरा नाम बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ओके, मिटा दीजिए, आपके माइंड से भी मिटा दीजिए, पिया प्रोटीन आप याद रखिए वो भी बहुत है। सो पिया एंड सीआरएसी प्रोटीन है वो रिक्वायर्ड होता है इसको साइक्लिक एएमपी एडिनाइल साइक्लेज को, जो कि साइक्लिक एएमपी बनाता है उस एंजाइम को एक्टिवेशन करने में। ओके, एंड हमने डिग्रेडेशन की भी बात कर ली। अब यहाँ पे एक और म्यूटेशन केस है वो देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे अगर मान लो म्यूटेशन केस है वो CSIR नेट में पूछते ही रहते हैं आप सभी को पता है। सो अगर CRAC नहीं होगा या फिर पिया प्रोटीन या फिर एंड दोनों पिया प्रोटीन एंड CRAC दोनों ही नहीं होंगे या फिर CRAC प्रोटीन इंपॉर्टेंट है ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे है वो साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन नहीं होगा। साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहाँ पे है वो एग्रीगेशन ही नहीं होगा एंड आगे डेवलपमेंटली है वो नहीं होगा। ओके, नो एग्रीगेशन, नो डेवलपमेंट, नो साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन, तो कुछ भी यहाँ पे आंसर हो सकता है। ओके, अब एसी ए जीन जो कि साइक्लिक एएमपी जो बनाता है उसको में अंदर म्यूटेशन अगर हो गया तो वहाँ पे है वो एग्रीगेशन ही नहीं होगा। ओके, डू नॉट एग्रीगेशन। लेकिन अगर एक्सोजीनस यानी ऊपर बाहर से हम एसी ए हम डाले तो वो है वो नॉर्मल है वो डेवलपमेंट है वो शो करेगा। अगर जीन म्यूटेशन है तो वो एग्रीगेशन शो ही नहीं करेगा, लेकिन बाहर से हम ACA देंगे सो यहाँ पे है वो नॉर्मल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ACB में है वो बिल्कुल ही है वो अलग है वो केस देखने को मिलता है। ACB में क्या होता है, अगर म्यूटेशन हो गया तो वहाँ पे एग्रीगेशन हो जाएगा, यहाँ पे स्लग वाली स्टेज है वो बन जाएगी, लेकिन आगे जो है वो फ्रूटिंग बॉडी वगैरह है वो सारी है वो आगे डेवलपमेंट है वो है अब नॉर्मल होगा। ओके, स्टाल्क है वो लॉन्ग होगा, सो आगे वो स्पोर भी है वो कमज़ोर होंगे, सो वो है लूज एग्रीगेशन हो जाएगा, लेकिन आगे जो है वो फॉर्मेशन है उनका है वो सही से नहीं होगा, नॉर्मल फ्रूटिंग बॉडी वगैरह है वो नहीं बनेगी। सो इससे क्या हमें वो प्रूवन मिलता है कि ACB है वो लेट डेवलपमेंट में है वो काम में आती है। ओके, लेट डेवलपमेंट में है वो काम में आती है, एग्रीगेशन के बाद में है वो इसका रोल होता है, ACB का पहले नहीं होता है।
अब एस सी जी बच गया, अगर इसमें म्यूटेशन होगा तो नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, स्पोर होगा, जर्मिनेट भी हो जाएगा, लेकिन जब हाई ऑस्मोलरिटी की कंडीशन होगी तभी भी इस वाली म्यूटेशन केस में है वो जर्मिनेशन है, वो इनिबिट नहीं होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। सो जर्मिनेशन इनिबिशन वाला केस है वो इसमें है, वो देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके ऊपर है वो एस सी जी के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी है वो किए गए हैं, यहाँ पे है वो नॉर्मल वाइल्ड टाइप है वो एस सी जी वाले जो स्पीसीज़ के अंदर है वो यहाँ पे है वो 250 mm है वो सुक्रोज सॉल्यूशन की, सुक्रोज सॉल्यूशन यहाँ पे ऑस्मोलरिटी का है वो काम करता है। सो हाई ऑस्मोलरिटी हम बोल सकते हैं, सो उसका है वो इन्वायरमेंट बनाया गया, और जब वाई टाइप में ये केस देखा गया तो वहाँ पे है वो जर्मिनेशन को रोक दिया गया। ओके, जर्मिनेशन रुक गया, रोक दिया नहीं गया, रुक गया जर्मिनेशन, जबकि दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में हमने म्यूटेंट ए सी जी वाली स्पीसीज में है वो ये सेम एक्सपेरिमेंट कराया, जब 250 mm सुक्रोज वाला ग्रेडियंट है वो हमने इन्वायरमेंट में रखा, तभी भी है वो जर्मिनेशन वो इनिबिट नहीं हुआ, जर्मिनेशन है वो हो गया। सो इससे पता चलता है हमने ए सी जी है वो ओस्मो सेंसर होता है, जर्मिनेशन को इनिबिट करता है। ओके, सो इतना था इस वाली वीडियो में, और मैं दावा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन है वो इस वाली वीडियो से बाहर नहीं जाएगा अबाउट डिक्टायोस्टीलियम के ऊपर। ओके, सो डिक्टायोस्टीलियम के ऊपर एग्रीगेशन डिफ्रेंशिएशन किसी के भी बारे में क्वेश्चन आएगा इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है, तो आप अच्छे से देखना और नोट्स बनाना। ओके, ऑल द बेस्ट। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बहुत सारी वीडियो पढ़ी, आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाकर है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की शुरू के जो दो मॉड्यूल है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं और आगे के भी कंप्लीट हो जाएंगे, सो वो आप चेकआउट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी इच्छा है लाइक कर सकते हो वीडियो को। ओके, बाय बाय।